तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना जर्नी आज का लेपचा खा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ बहुत दिनों के बाद, जैसे मैं पहले भी बता रहा था बहुत दिनों के बाद हाइकिंग कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। जाएंगे अभी जीरो पॉइंट, ये हम लोग का ओमनी। पहुंच गए हम लोग सातलाबाड़ी। यहाँ पर हम लोग को करवाना पड़ेगा एंट्री। और ये सातलाबाड़ी जो है ये छोटा सा है, मार्केट है यहाँ का, और यहाँ पे छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। तो पहुंच गए हम लोग जीरो पॉइंट, यहां से हम लोग का स्टार्ट होगा हाइकिंग। तो सभी रेडी हो चुके हैं, अपना बैग वैग सब ले लिया है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एंड तक, वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बनी रहिए, चलिए हमारे साथ हाइकिंग पे। तो स्टार्ट हो चुका है हम लोग का हाइकिंग, थोड़ा सा चढ़ के हालत खराब हो लग रहा है, आदत नहीं है ना एकदम। देखो इस जनाब को, हमारे कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं है, 5 मिनट चला बैठ गया। हालत देखो इसका, देखो देखो मेरा भी सांस फूल रहा है, बातों से पता चल रहा होगा। ये बंदे को देखो, पैर का हालत देखा, क्या हालत है। बाइक एक्सीडेंट में एंकलेट पूरा टूट चुका है, वहां पे स्टील का पाद बिठाया हुआ है। सोचो क्या हालत है बंदे में, दम तो है, हाइकिंग कर रहे हैं। अभी भी और एक ओटी बाकी था, अभी भी ओटी बाकी था, बाप रे करवाया नहीं उसने। देखो हालत देखो, ओए ओए बंदे में दम तो है यार। चलो भगवान के पास जा रहे हैं हम लोग। अभी नहीं भगवान के पास जा रहे भाई, ऊपर जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई अभी नहीं। करने के लिए रुके हुए हैं अभी। तो इस जो हाइकिंग में आपको छोटा छोटा काफ़ी थोड़ी दूर बाद आपको गांव मिलता रहेगा, जहां पे आप रेस्ट कर सकते हो, चाय कॉफ़ी पानी वगैरह सब ले सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो,
तो उतना चिंता करने की बात नहीं है कि आप अगर अपने साथ खाना वगैरह नहीं लेके आए तो। एक थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा दुकान देखे यहाँ पे माजा लिए, और यहाँ से लगभग लेपचा कहाँ है 250 मीटर, ज़्यादा दूर और है नहीं, पहुँच चुके हैं लगभग। सब भी सब थके हुए हैं, और एक ग्रुप आ रहा है, वो देखो दो बंदा ये रहा। आओ चुके हैं हम लोग लेपचा का, काफी ब्यूटीफुल जगह है, पूरा जो व्यू है दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि काफी मिस्ट छाया हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा सही से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए, और दिखाता हूँ मैं हम लोग जिस होम स्टे में रुके हुए हैं वो भी दिखाते हैं हम लोग। लगभग चढ़ाई करने में रुकते रुकते आराम से चढ़ने में लगभग लग गया 4 आवर्स, मुश्किल नहीं है उतना, जितना मैं सुन रहा था उतना कुछ मुश्किल नहीं है चढ़ाई में, आराम से आ सकते हो, अगर मतलब जल्दी जल्दी चढ़ते हो तो आराम से आ जाओगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम लेपचा। तो कल 4 घंटे का ट्रेक करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे, 4 घंटा तो एक्चुअली लगता नहीं है, लेकिन क्या हम लोग काफी रुकते रुकते आए हैं, जैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो आराम से ट्रेक करते करते यहाँ पे पहुंचे, आके तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत छोटा सा गाँव है लेपचा का, ये ऑफबीट डेस्टिनेशन, इसके लिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं,
तो काफी अच्छा लगा। यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत ही बढ़िया है। लगभग लगभग 360 डिग्री का व्यू है यहाँ पे, और एक छोटा सा मोनेस्ट्री है, और छोटा 3-4 होम स्टे है यहाँ पे। तो यहाँ आके भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो होम स्टे में, उस होम स्टे का नाम है दीदी होम स्टे, तो इसका व्यू ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एकदम पहाड़ के किनारे पे है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इस होम स्टे का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कॉल करके बुकिंग करके आ सकते हो। तो हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जयंती रिवर बेड, जो आज ही हम लोग नीचे उतर जाएंगे। तो लेकिन ये वाला ब्लॉग आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, तो तब तक के लिए बाय।